नमस्कार, स्वागत है आपका वेब दुनिया समाचार में। बात करते हैं अब तक की बड़ी खबरों की। आरएसएस ने किया था आपातकाल का समर्थन, पूर्व आईबी प्रमुख का दावा। आईबी के पूर्व प्रमुख टीवी राजेश्वर ने दावा किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आपातकाल का समर्थन किया था और तत्कालीन संघ प्रमुख बाला साहेब देवरस ने इंदिरा गांधी से संपर्क स्थापित करने की कोशिश की थी। राजेश्वर ने यह दावा किया कि इंदिरा गांधी को पता था कि आपातकाल के दौरान क्या हो रहा है, लेकिन लोगों पर इसके प्रभावों और इसके नतीजों की गंभीरता को शायद वे समझ नहीं पाई। आपातकाल लागू करने के समय आईबी के उप प्रमुख रहे राजेश्वर ने यह भी दावा किया कि इंदिरा गांधी शुरू में आपातकाल लागू होने के 6 महीने बाद ही इसे हटाने का मन बना रही थी, लेकिन अकूत शक्ति का आनंद ले रहे संजय गांधी इसके खिलाफ थे। एलजी ने चेताया, केंद्र की शरण में केजरीवाल सरकार। दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल नजीब जंग के उस आदेश पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की सलाह लेने का फैसला किया, जिसमें उन्होंने शहर के अधिकारियों को चेतावनी दी है कि वे अरविंद केजरीवाल सरकार के अवैध आदेशों का पालन न करें। मुख्यमंत्री केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई दिल्ली कैबिनेट की एक बैठक में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और फैसला किया गया कि इस पर गृह मंत्रालय की सलाह ली जाएगी कि क्या उपराज्यपाल लोकतांत्रिक तौर पर चुनी हुई एक सरकार को ऐसे नोट भेज सकते हैं। अभिनेता फरहान और रणवीर कपूर के खिलाफ एफआईआर। फिल्म अभिनेता फरहान अख्तर और रणवीर कपूर के खिलाफ लोगों को पहले धोखा दे चुकी ऑनलाइन शॉपिंग साइट का प्रचार करने के लिए धोखाधड़ी को बढ़ावा देने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ये प्राथमिकी राजधानी के केशव नगर इलाके के निवासी अधिवक्ता रजत बंसल ने 19 सितंबर को मरियाव पुलिस थाने पर दर्ज कराई है। उन्होंने कहा कि बंसल ने ऑनलाइन पोर्टल askmebazaar.com के निदेशकों संजीव गुप्ता, आनंद सोनभद्र, पीयूष पंकज, किरण कुमार, श्रीनिवास मूर्ति और बिक्री अधिकारी पूजा गोयल के खिलाफ भी प्राथमिकी दर्ज कराई है।